गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल लर्न लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स इन WAG5 लोकोमोटिव। आज हम डिस्कस करेंगे WAG5 लोकोमोटिव में इक्विपमेंट्स की लोकेशन कहां पर होती है और किस तरह से हम जब कॉरिडोर इंस्पेक्शन करते हैं तो क्या क्या चेक करेंगे। आइए देखते हैं डायग्राम के थ्रू। लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स इन WAG5 लोको। आज हम जैसा कि सीख रहे हैं WAG5 लोकोमोटिव में इक्विपमेंट्स की लोकेशन कहां पर है, कहां लगे हुए हैं, तो देखिए इस हम ड्राइंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जो है कौन सा इक्विपमेंट कहाँ लगा है, लोगों को कैसे हम चेक कर पाएंगे। तो आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ कैब वन लिखा हुआ है, ये कैब वन है। कैब वन के जो इक्विपमेंट्स हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने सिंपली जो डायग्राम में दिखाया है, यहाँ TPN1 ये जो लॉकर है उसको दिखा दिया है, TPN2 एंड TPN3 ये कैब वन है। कैब वन की तरफ से हम लोको पायलट के पीछे जो कॉरिडोर है उसको कॉरिडोर वन बोलते हैं, और ALP के पीछे जो कॉरिडोर है उसको कॉरिडोर नंबर टू बोलते हैं। तो ये कॉरिडोर वन है और ये इसके लॉकर हो गए। अब देखिए कॉरिडोर वन के बाद में हम लास्ट में जस्ट एक रिवीजन करते हैं। ये देखिए कैब टू है, इसमें पैनल देखिए TK1 है, कॉन्ट्रैक्टर पैनल जिसको बोलते हैं। ये TV पैनल है, वो स्विच पैनल है। ये TR ये रिले पैनल है। तो बाकी इक्विपमेंट के विषय में हम बाद में डिस्कस करेंगे जो कैब में लगे हुए हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं किस तरह से कहाँ कहाँ डिवाइड किया गया है। तो ये आपका ध्यान से देखिए कैब वन हो गया, ये कैब टू हो गया, उसके बाद ये यहाँ देखिए आप HTC1 देख रहे हैं। ये HTC1 है, हाई टेंशन कंपार्टमेंट नंबर वन। ये HTC2 है, हाई टेंशन कंपार्टमेंट नंबर टू। और ये देखिए हाई टेंशन कंपार्टमेंट नंबर थ्री है। तो ये कंपार्टमेंटों में डिवाइड किया गया है, कैब वन, कैब टू, HTC1, HTC2 और HTC3। अब हम इक्विपमेंट देखते हैं कहाँ क्या क्या लगे हुए हैं। हम कैब वन से कॉरिडोर वन की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ C3W वाल्व लगा हुआ है जो कि सिंक्रोनाइजिंग के काम आता है। ये VPT1 है, आइसोलेटिंग कॉक है इसका, जो पेंटो को आइसोलेट करने के लिए है, आइसोलेटिंग कॉक। VPT इसका थ्रोटल वाल्व है, जो पेंटो है उसका इलेक्ट्रो वाल्व है। और आप इस कॉरिडोर में आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ RC नेटवर्क लगा हुआ है। ये HOM हैंडल जो लोगों को ग्राउंड करने के काम आता है, ये आपको ऊपर की तरफ नज़र आएगा। और देखिए यहाँ आपको देखिए RSI1, MBSI1, RSI ब्लॉक है और इसका ब्लोअर है इसी के साथ में। और देखिए ये स्विच दिखाया गया HVSI1, HVSI2, MBSI2, RSI2, ठीक है। तो RSI ब्लॉक है, सिंपली उसका ब्लोअर है और उसका स्विच है, ये आपको कॉरिडोर वन में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये चार्जर है CHVA, ये आपको चार्जिंग करंट देखनी होती है, चार्ज हो रही है कि नहीं हमारी बैटरी। और ये C118 और R118 जो कॉन्टैक्टर है, आर्नो को जो स्टार्टिंग फेज देता है, तो उसका कॉन्टैक्टर C118 होता है। और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R118, ठीक है। ये MBMT2 है, ब्लॉक है आपका 2 नंबर, उसकी ट्रैक्शन मोटरों को ठंडा करने के काम आता है, MBMT2 है। ये देखिए TFBT लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर है। ये LTVA लगा हुआ है और यहीं पर देखिए QTD 106 और QTD 105 लगे हुए हैं, ठीक है। और ये यहाँ देखिए HTC3 के अंदर CTF3 है। अब हम इधर से घूम के आते हैं कॉरिडोर नंबर वन से कैब टू में होते हुए। यहाँ पहले हम रिले पैनल पे चेक कर लेंगे, ठीक है, क्या क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर पैनल है, यहाँ
चेक कर लेंगे, कैब में क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं वो भी डिस्कस करेंगे, बताएंगे। उसके बाद ये स्विच पैनल है, यहाँ देखेंगे क्या क्या है। अब आप ये कॉरिडोर नंबर टू में आ जाएंगे तो देखिए VPT2 जैसे कि उधर बताया था आपको, पेंटो वन का जो वाल्व इलेक्ट्रो वाल्व लगा हुआ था VPT1 था, यहाँ VPT2 है, उसका आइसोलेटिंग कॉक है, ऊपर साइड में नज़र आएगा। तो यहाँ से आपको अगर कभी पेंटो में कोई इशू होता है तो यहाँ से हम आइसोलेट कर सकते हैं। ये देखिए VESA आपके सेंटर के कॉक हैं, एक इधर है दूसरा इधर है, आइसोलेट कर सकते हैं, कभी सेंटर को आइसोलेट करना पड़ेगा तो VESA कॉक है। ये PR1 PR2 एंड QFL फ्लैशर लाइट में जो लगी हुई रिले हैं वो है PR1 PR2 और QFL। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये RO लगा हुआ है, देखिए नज़र आ रहा है, ये RTPR है, RTPR। उसके बाद Q20 रिले है, ये शंटिंग कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, रिले Q20 लगी हुई है। और ये C145 कॉन्टेक्टर है, ये आपका जो है लाइन कॉन्टेक्टर है, L1 L2 L3 L4 L5 L6 CTF2 है, J1 है, ये CTF और J1 की पहचान आपको पता होगी, CTF अलग अलग होते हैं और J जो रिवर्सर हैं वो जॉइंट में होते हैं। ये HRTPR है, DC-DC 2 कन्वर्टर है, QD2 लगी हुई है और ये आपका HQOP-1 HQOP-2 लगे हुए हैं। यहाँ आपका जो है QF1 और QF2 लगी हुई है रिले। और ये देखिए ग्रेजुएटर है, इसका PHGR पंप लगा हुआ है, MBRH है और RGR CGR लगे हुए हैं, ये मेन ट्रांसफार्मर है, MPH है, ये रेडिएटर लगा हुआ है, ASMGR असेंबली है जो कि आप मैनुअल जो कंट्रोल करते हैं GR का मैनुअल कंट्रोल, तो इसी में आपको जो हैंडल का अरेंजमेंट है यहाँ से ही आपको करना होता है। ये RF एंड MBRF और ये आपके सेंटिंग कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, ये SJ एडफेक्स ट्रांसफार्मर HTC-1 में लगा हुआ है, ये CTF-1 है, J-1 है और QD-1 है। उसके बाद ये देखिए MCP-1 लगा हुआ है और MCP-2 MCP-3, ये वीड वाल्व है और ये इसके व्यूल वाल्व है, अनलोडर वाल्व है, ये कॉक के साथ में होते हैं, वीड वाल्व भी कॉक के साथ में है और MBMT-1 है। तो ये MBMT-1 आपको पता है ब्लोअर है जो कि ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करता है। तो इस तरह से आप जो है कैब वन से कॉरिडोर वन में होते हुए चेक कर पाएंगे इक्विपमेंट कहाँ कैसे लगे हुए हैं। तो नॉर्मली आपको जब पेंटो आइसोलेट करना होगा तो इस कॉक की हेल्प लेनी पड़ेगी, या आपको जब सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग को आइसोलेट करना होगा तो C3W वाल्व को आपको आइसोलेट करना होगा तो यहाँ मिलेगा आपको। RC नेटवर्क में नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली लगा हुआ है ये। और जब भी आप कॉरिडोर इंस्पेक्शन करने आएंगे तो ये ज़रूर चेक करेंगे। HOF हैंडल को जब आपको लोगों को ग्राउंड करना होगा उस समय ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ये HVSI-1 HVSI-2 इसको ज़रूर देखें पोजीशन किस पर है, कहाँ पर है हमारा स्विच इसका, ये इसके ब्लोअर्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, बैटरी की चार्जिंग करंट चेक करें। और देखिए इसका एक आपका जो है R118 C118 कॉन्टैक्टर है, जब भी आपका जो है DJ नहीं बंद होगा उस समय हम चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये कॉन्टैक्टर हमारा बेल्ड हो गया हो। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, LTVA है, MBMT2 है, एक तरफ से आप चेक कर लेंगे। से ये TR पैनल है, TR पैनल में जो भी रिले लगी हुई हैं टारगेट वाली रिले हैं या नॉन टारगेट वाली हैं वो ध्यान से चेक करेंगे। TK-1 कॉन्टैक्टर पैनल है, कॉन्टैक्टर इसमें लगे हुए हैं सारे,
इसमें क्या क्या है आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे करके ये आप स्विच पैनल में आ जाएंगे और उसके बाद आप जो है कॉरिडोर टू में होते हुए पूरा चेक करते हुए आएंगे। तो ये सारे इक्विपमेंट हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। तो जब भी आप कॉरिडोर इंस्पेक्शन करते हैं तो ध्यान से चेक करें कहीं कोई धुआं धप्पड़ कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर उससे कोई फायर तो नहीं नज़र आ रही है, कोई आर्किंग तो नहीं आ रही है, कोई उसका आर्क सूट तो नहीं गिरा हुआ है। तो ये आपको चेक करना होता है और उसके बाद घूमते हुए अपने कैब वन में आ जाएंगे और आगे ट्रेन वर्क करेंगे। ये है लोकेशन आपकी WAG-5 लोको में इक्विपमेंटों की, कहाँ कैसे क्या लगा हुआ है, कैसे चेक करना है। अब हम आगे देखते हैं कैब में लगे हुए इक्विपमेंट क्या क्या है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये MP लगा हुआ है, ये MPS है, ये MPJ है, ये ZPT है, ये नाच रिपीटर है और यहाँ ये पुश बटन लगे हुए हैं BPT, BPP, BPR, ठीक है। ये A9 हैंडल है, ये SA9 हैंडल है और देखिए ARPR का गेज है, MRFP का गेज है, BC का गेज है, AFI गेज है और BP का गेज है। ये लुकआउट ग्लास है, ये SPM लगा हुआ है, स्पीडोमीटर, ये वाइपर लगे हुए हैं, ये देखिए वाइपर यहाँ दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए ये इधर वाले वाइपर हैं, पायलट वाल्व होता है यहाँ। ये आपके BL स्विच हैं, ये पायलट लैंप लगे हुए हैं, ये देखिए आपका UA मीटर है, ये U मीटर है, ये M मीटर है और ऐसे इधर आएंगे तो देखिए ये यहाँ हीटर लगे हुए हैं, कैब हीटर। ये BL की आपको बताई थी और फ्लैशर लाइट कंट्रोल बॉक्स ये लगा हुआ है, स्विच होता है फ्लैशर लाइट का। ये कैब फैन है देखिए यहाँ लगा हुआ है। ये कैब में लगे हुए इक्विपमेंट हैं जिसको आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है लोगों को चेक कर पाएंगे और ये बेसिक आइडिया है जो कि आप ध्यान में रखें और अपनी वर्किंग को सेफ कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ लगा हुआ है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अंडर फ्रेम में क्या क्या लगा हुआ है, कहाँ पर है, तो उसके विषय में समझेंगे। जैसा कि आप लोगों ने डायग्राम के थ्रू समझ लिया है कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ लगा हुआ है, तो जब भी आप कॉरिडोर इंस्पेक्शन करेंगे या लोको चेक करेंगे तो आप आसानी से इक्विपमेंट को चेक कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड अबाउट लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स इन WAG-5 लोकोमोटिव। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड्रॉयड मोबाइल ऐप का एक लिंक दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, जिससे कि आप 3-phase लोको, कन्वेंशनल लोको एंड ट्रैफिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के विषय में अपने नॉलेज को अपडेट कर पाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस रेड बेल बटन टू गेटिंग नोटिफिकेशन अबाउट लेटेस्ट वीडियोस एंड शेयर इट मोर एंड मोर।